नमस्कार, आप देख रहे प्रगति मीडिया, मैं खुशबू कुमारी। जैसा कि आप जानते होंगे, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कई मंत्रियों और नेताओं को बुलाया गया व एक मीटिंग रखी गई, जिसका उद्देश्य था कि गुजरात के नए मुख्यमंत्री का चुनाव करना। फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक भूपेंद्र पटेल जी का नाम गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में सामने रखा गया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक भूपेंद्र पटेल ने सोमवार मतलब कि आज गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने विजय रूपाणी की जगह ली। विजय रूपाणी जी ने राज्य में विधान चुनाव से 15 महीने पहले शनिवार को अचानक पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद भूपेंद्र पटेल को भाजपा विधायक दल की बैठक में नेता चुन लिया गया और उन्होंने सोमवार करीब 2:30 बजे राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस दौरान उनके शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भूपेंद्र पटेल को बधाई दी और ट्वीट किया, मैं उन्हें वर्षों से जानता हूं और उनका अनुकरणीय कार्य देखा है, चाहे वह भाजपा संगठन में हो या नागरिक प्रशासन में या सामुदायिक सेवा में। इस समारोह पर गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी ने कहा, आगामी विधान चुनाव में भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में बीजेपी गुजरात में जीत हासिल करेगी। मैं पार्टी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता रहूंगा और उनके निर्देशों का पालन करूंगा। उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि पटेल जी के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ती रहेगी, प्रदेश का विकास होगा, गुजरात सभी राज्यों के लिए रोल मॉडल बनेगा। धन्यवाद प्रगति न्यूज़ देखने के लिए।